दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और आज एक बहुत ही खास विषय पर ये वीडियो मैं लेकर आई हूं। आप सभी जानते हैं कि हिना खान के पिताजी जो हैं उनका हाल ही में निधन हुआ है और उसके बाद पहली बार कल रात हिना खान ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को और कुछ करीबी लोगों को ये बताया कि जितने भी लोगों ने उनके पिताजी के लिए अपनी प्रेयर्स भेजी हैं वो सब वो स्वीकार करते हैं। बहुत खुशनसीब हैं कि इतने लोगों ने इतना प्यार और इतनी दुआएं भेजी हैं उनके पिताजी के लिए। और कुछ अगले कुछ दिनों तक वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगी और उनकी जो टीम है वो एक्टिव रहेंगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जहाँ तक हिना खान और उनके पिताजी के रिश्ते की बात आती है तो ये तो सब जानते हैं कि हिना अपने फादर से कितनी ज़्यादा क्लोज थी। वो सोशल मीडिया पर भी अपने फादर के साथ बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस हमेशा शेयर करती थी। और अगर हम बात करें आज हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल की, तो रॉकी और हिना के जो फादर हैं उनके बीच कैसा रिश्ता था इतने सालों तक, उस बारे में अगर हम बात करें तो हिना खान ने दरअसल एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया हुआ है कि वो जब रॉकी को डेट करना उन्होंने शुरू किया था तब तो बिल्कुल भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी अपने फादर को बताने की कि वो किसी को डेट कर रही हैं जो कि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और उनके मजहब से नहीं है। लेकिन फिर जब हिना एक्ट्रेस बन गई, उनका नाम हो गया, वो अपने लिए अच्छा कर रही थी, शी वॉज डूइंग गुड फॉर हरसेल्फ, तब जाके उन्होंने अपनी फैमिली से, अपने फादर से शेयर किया कि वो रॉकी को डेट कर रही है। तो पहले तो उनके फादर को बहुत बड़ा सदमा लगा क्योंकि उनके परिवार में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की है, हर किसी ने अरेंज मैरिज की है। तो फिर जब हिना खान और उनके बॉयफ्रेंड की बात सामने आई तो पहले तो उनके फादर ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन हिना ने किसी तरह उन्हें मनाया कि आप कोई भी हेस्टी डिसीजन लेने से पहले रॉकी को जान ले, उन्हें समझ ले, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर ले, फिर अगर कोई एतराज़ होगा तो फिर हम देखेंगे कि उस बारे में किस तरह से सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आज इतने सालों बाद हम बात करें तो अब हिना खान कहती हैं कि अब मुझसे ज़्यादा मेरे फैमिली को रॉकी की चिंता रहती है, वो रॉकी की ज़्यादा केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और खासकर मेरे पापा जो एक समय पर रॉकी को पसंद नहीं करते थे, अब इतने सालों बाद वो रॉकी से बेहद करीब हो चुके हैं, रॉकी भी मेरे फादर के उतने ही करीब है और दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती रॉकी और मेरी फैमिली के बीच कोई भी एक कनेक्शन बनने के लिए। तो कुछ ऐसा था रॉकी का और हिना खान के फादर का रिश्ता। ये जानकर हिना के सभी फैंस आई एम श्योर बहुत खुश होंगे और आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए फिल्म विंडो के साथ। मैं हूं नित्यांशी।